अस्सलाम वालेकुम। मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ आज। 1.25 किलो मैंने इसमें चावल लिए बासमती अच्छे वाले, और 1.5 किलो मैंने इसमें चिकन लिए। मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए इसमें, और लाइट सा ब्राउन होने के प्याज मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिए। और इसमें साथ ही में अब इसमें आलू मैंने छील लिए, काट लिए, आलू भी साथ ही डाल दूँगी मैं इसमें। मोटे मोटे आलू काटे हैं और चिकन भी थोड़ी मोटी वाली थी, तो मैंने कहा ज़रा गलने में टाइम लगाएंगे, दोनों चीज़ें एक साथ डाल दी। अब इसमें मैंने कुछ मसाले मैं घर के ऐड करूँगी, और कुछ मैंने पैकेट का मसाला लिया इसमें। मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाला है तकरीबन 5 से 6 बड़े वाले चम्मच, और 1 से 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च का डाला है। और 1/2 चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। 10-12 दाने मैंने इसमें इमली के डाले हैं, और तकरीबन 6 मीडियम साइज़ के मैंने इसमें टमाटर शामिल किए हैं। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं इसको ढकना से कवर करके इसको पकाऊंगी। ये चिकन और आलू अपना पानी छोड़ेंगे, टमाटर भी छोड़ेंगे, और ये अपने पानी में गल भी जाएगा मसाला अच्छे से हमारा। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया हल्के से, अभी इसको मैं कवर कर दूँगी। देखिए मैंने पानी छोड़ा हुआ है, और चिकन भी थोड़ी गल गई है। अब मैं इसमें 1 प्याली मैंने दही पैंट ली है, वो दही शामिल करके मैं इसको दोबारा ढकना से कवर करके इसको पकाऊंगी। देखिए 5-6 मिनट के बाद मैंने इसको खोला, चिकन का मसाला तैयार हो गया था, रेडी हो गया था। दूसरी साइड पे मैंने चावल भी बॉईल कर लिए। अब मैं तेल लगा लिया, सबसे पहले मैंने नीचे चावलों की तेल लगाई है, अब इसके ऊपर मैंने चिकन डाला है। और अब मैं इसमें धनिया पुदीना डालूंगी, और नींबू मैंने कट कर लिए गोल गोल स्लाइस बना लिए, उसके नींबू के स्लाइस रखूंगी। और मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें थोड़ी सी काटी हैं बारीक बारीक, वो भी मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड करी हैं। इसी तरह अब दोबारा चावलों की तह लगाऊंगी, और फिर दोबारा मसाले के वही स्टेप, दोबारा से धनिया पुदीना और फिर हरी मिर्चें। तो फिर ऊपर मैं अब इसको लास्ट में फिर दोबारा चावलों से ढक कवर कर दूंगी सारा चिकन को, मसाले को, और थोड़ा सा जर्दा कलर इसमें ऊपर से लगाऊंगी। और अब तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे लगाना है। चमचा नहीं मारना बीच में, चमचे की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा बीच में होल ऐसे कर दिया, क्योंकि चावल ज़्यादा थे तो
तो वो ऊपर तक स्टीम आना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं चम्मच से ऐसे थोड़ा सा बीच में ना 3 से 4 जगह देखिए मैं ऐसे कट लगा लेती हूँ ताकि वो स्टीम हमारी ऊपर तक आए इसकी। और ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने दम खोला है, ज़बरदस्त बिरयानी मेरी तैयार है। अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी बिरयानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, कलर ही इतना प्यारा आया। ओके, अल्लाह हाफिज़।